बाबा हमें लेने आए हैं। ओ! बच्चों, मैंने कितनी बार आप सभी को समझाया है कि हमें दौड़ते वक्त ध्यान देना चाहिए। देखो गप्पी, आप गिर गए ना। सॉरी गप्पी चाचा। कोई बात नहीं गप्पी, लो थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये लो गप्पी। अब कैसा लग रहा है गप्पी? अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ गप्पी चाचा। बच्चों, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगहों पर हमेशा ध्यान से चलना चाहिए, ऐसे भागने से हमें चोट लग सकती है। चुटकी, ध्यान से बेटा। सॉरी पापा, मुझे लगा हम सब जल्दी से सड़क के उस पार जा सकते हैं इससे पहले कि कोई गाड़ी या रिक्शा आए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सड़क को हमेशा ट्रैफिक सिग्नल यानी यातायात संकेत देखकर ही पार करनी चाहिए, और सड़क पार करते समय पहले बाएं, फिर दाएं और फिर बाएं देखकर ही पार करना चाहिए। हम समझ गए हैं चाचा, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। और हमेशा ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करेंगे, पहले बाएं, फिर दाएं और फिर से बाएं। हैप्पी चाचा, क्या हम खेलने जा सकते हैं? हाँ बच्चों, जरूर। लाओ, जाने से पहले अपने अपने बैग मुझे दे दो। ठीक है, अब चले चुटकी। आउच, लग गई। चुटकी बेटा, तुम ठीक हो ना? अरे तुम्हें चोट लग गई? यहाँ इतने सारे पत्थर और लकड़ियाँ जो पड़े हैं। लाओ इसे साफ कर देता हूँ, मगर आगे से हमेशा ध्यान रखना, हमें घर से बाहर जाते समय या घर के बाहर खेलते समय जूते या चप्पल पहनने चाहिए, ताकि हमें चोट न लगे और हमारे पैर भी साफ रहे। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था, अब मैं ध्यान रखूंगी। मुझे पूरा भरोसा है बेटे। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। रुको गप्पी, जब हम तारों या स्विचों को छूते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें झटका लग सकता है। बच्चों, आपको बिजली के उपकरणों से दूर रहना चाहिए या उनको छूने से पहले अपने से बड़ों को पूछना चाहिए। और हाँ, बिजली के उपकरणों को छूने से पहले रबर की चप्पल जरूर पहननी चाहिए। ये सब तो हमें पता ही नहीं था पापा। अब हम हमेशा याद रखेंगे अभी चाचा। दोस्तों, उम्मीद है हमारी तरह आपने भी इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। क्या आप वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करते हैं? इस बारे में सोचें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।